तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी जॉब का पहला दिन सिक्योरिटी की, और आप पीछे नज़ारा देखो सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि बीच पे कैसे घूम रहा है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि बीच पे ये इस तरीके से कैसे जॉब मिली है और कहाँ हायर हुआ हूँ, कौन सी कंपनी में हायर हुआ हूँ, क्या सारा सिस्टम है। क्योंकि मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होनी है अभी एक घंटा पड़ा है और मैं जल्दी आ गया था ताकि सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं अभी जाता हूं एक बार थोड़ी साइलेंट जगह, आपको सारी चीज़ें भी दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर, और जितने भी डिटेल्स हैं सारी इस ब्लॉग में आपको बताता हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी कंपनी में हायर हुआ हूं। तो गाइस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि पैलेडिन में हायर हुआ हूं। तो पैलेडिन जो है आपको तीन पोजीशन ऑफर करता है, या तो आप फुल टाइम काम करो, या पार्ट टाइम काम करो, या कैजुअल काम करो। अब जो फुल टाइम होती है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, अगर आप वर्क वीजा पे हो तो आप जा सकते हो। मैं भी आपको पता है कि स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो पार्ट टाइम या फिर कैजुअल। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा एज अ कैजुअल हायर होना, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप कैजुअल हायर होते हो तो आपकी कोई फिक्स शिफ्ट नहीं होती, तो ओपन शिफ्ट जहां भी चल रही होती है पैलेडिन की, आप कहीं भी शिफ्ट अपनी उठा सकते हो। तो वही एक तरीके का काम मैंने आज किया है। तो मैं हायर होने को लगभग एक दो हफ्ते हो गए थे, बट मैं वेट कर रहा था कि कोई ढंग की साइट आए तो वहां पे जाके शिफ्ट लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज पेट्रोलिंग करने आए हैं। तो सिक्योरिटी जॉब के अंदर लोग बहुत सारे रीजन से आते हैं। अब जब मैं ट्रेनिंग टाइम में भी दूसरे लोगों से मिला था, तो मेरे को पता चला यहाँ के जो भी सिटीजंस वगैरह हैं वो भी सिक्योरिटी के अंदर अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, क्योंकि अपनों ने इंडिया में देखा है सीन थोड़ा अलग रहता है अगर आपको पुलिस में जाना है कहीं भी। बट कनाडा के अंदर आप अगर सिक्योरिटी के अंदर अपना एक्सपीरियंस बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके रस्ते खोलते हैं आगे पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के भी। अब साथ में जो ट्रेनिंग वगैरह पे थे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो फाउंडेशन कोर्स भी पुलिस वाले कर रहे थे साथ में, ताकि अच्छी कंपनी में अपना एक्सपीरियंस बना के आगे पुलिस वगैरह में भी जा पाए। अब मेन बात करते हैं हायरिंग की। हायरिंग आप पैलेडिन की साइट पे देख सकते हो, ऑनलाइन इनकी वैकेंसीज लगती रहती है कि कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके हायरिंग के अकॉर्डिंग आपको बुलाते हैं, 5 दिन की इनकी ट्रेनिंग रहती है ऑफिस के अंदर, जो कि मैंने कंप्लीट करी थी। उसके अंदर आपको सारी स्किल्स और टैक्टिक्स समझाते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रोटेक्ट करना है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है। आपको पूरी फील आती है कि यस, आधी पुलिस की ट्रेनिंग करा देते हैं ये, मजाक कर रहा हूँ, आधी तो नहीं, बट हाँ बहुत सारी डिफेंस जो भी टैक्टिक्स होती है, अपने को कैसे खुद का बचाव करना होता है लोगों से, तो बहुत सारी स्किल्स आप सीखते हो। तो बड़ा सही एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल। और अभी मैं जगह आया हूँ, मैंने जब गाड़ी पार्क करी थी उससे पहले जो स्ट्रीट थी वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और कनाडा के अंदर आने के बाद ये चीज आप फील भी करते हो कि जब तक आप स्टूडेंट हो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग ऑप्शन। जैसे कि आप सबको पता है मैं गैस स्टेशन पे भी काम कर रहा हूँ, तो 20 घंटे अपने काम कर सकते हैं, 16 घंटे मैंने काम किया था, तो मेरे पास 4 घंटे स्पेयर थे। तो आज की जो मेरी शिफ्ट है वो मैंने 4 घंटे की उठाई। तो मेरे को बस यूं ही रहता है कि कहीं सैचुरेशन ना आए, तो डिफरेंट थिंग्स अपने एक्सप्लोर करते रहे, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबके साथ भी शेयर करता रहूं। अब जो मेरी यूनिफॉर्म है वो पार्किंग में कार के अंदर पड़ी है, जाके अब रेडी होके और शिफ्ट स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आज की शिफ्ट का कैसा रहा। तो ये खड़ी अपनी लाडो बोट के बिल्कुल पीछे। तो गाइस शिफ्ट ओवर हो गई है। तो मेन काम यहाँ पे यही था कि हमने पेयरिंग में काम किया था, 2 गार्ड थे, और किसी को भी मतलब ओपन फायर और वो सब चीजें नहीं करनी देनी थी, और ड्रिंक्स वगैरह जो कर रहे थे। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था बढ़िया रहा, पूरे बीच पे घूमते फिरते रहे, लोगों को टोकते रहे, वरना जो अगर मिसबिहेव करते तो फिर पुलिस कॉल करनी थी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और अब थक गए हैं, अब चलते हैं जल्दी से घर पे। लगभग 50 किलोमीटर आया था, पर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा घर पे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करते। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।